अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये चिड़ियों का क्योंकि अभी आपको पता है कि सीज़न चल रहा है, हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, तो जो नए फेंसर हैं या जिनको इस बारे में नहीं मालूम है तो उनको क्या करना चाहिए सर्दी से बचाने के लिए, हवा से बचाने के लिए, आप क्या मशवरा देंगे उनको? सबसे पहले तो मछली का तेल इनको दाने में मिक्स करके आप दें। ठीक है, ठीक है। 10 किलो में आधा पाव तेल मिक्स कर दें, ये आधा पाव जैतून का तेल, इसको मिक्स करके तकरीबन एक हफ्ता भर छोड़ दें। एक हफ्ते के बाद फिर आप इनको ये दाना देना शुरू करें। इसके अलावा अंडा आप बॉयल करें, बॉयल करने के बाद उसकी जर्दी पापे के चूरे में मिक्स करें और सफ़ेदी अलग मिक्स करके फिर इनको आपस में मिक्स करके ये इनको दें। मैंने जब इनको दिया है तो अल्लाह का शुक्र है, एक तो सर्दी से बचे भी हैं, फिर बच्चे जो आए हैं अभी आप मेरे घर पे आए, मैं खुद देखकर हैरान हो गया हूँ कि माँ बाप बिल्कुल काली चोंच है, अभी कूदे हैं माँ बाप, मैं उनके ढूंढता हूँ कि कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा। यानी माशाल्लाह इतने हेल्दी हैं, इतने हेल्दी हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि इसके माँ बाप नज़र नहीं आ रहे, बच्चे ये कहाँ से आ गए माशाल्लाह। ये अल्लाह का करम है, मैं ये चीज़ें नोट करता हूँ। इसी चीज़ के लिए मतलब कि क्योंकि जो नए फैंसियर होते हैं या जिनको नहीं मालूम होता उनको जो जैसे कि आप एक्सपीरियंस है, अल्लाह आपको और जो है ज़िंदगी दे और सेहत दे, तो ये आपकी जो है एक्सपीरियंस से जो ना और लोगों को भी आइडिया हो जाता है कि यार हमें क्या करना चाहिए इस मौसम के साथ। बिल्कुल, मौसम को देखें ना, अगर हवा आपके पास खुली है तो आप उसको प्लास्टिक पैक करें, लेकिन इतना पैक ना करें कि एयर टाइट हो जाए और बर्ड्स आपके मर जाएं। सही, मतलब अक्सर लोग जो ना चारों तरफ से टाइट कर देते हैं, वो भी उनके लिए नुकसानदेह, वो भी उनके लिए नुकसानदेह है। या कोई हीटर उनको गर्माइश पहुंचाने का इंतज़ाम करें कि गर्म रहें वो। इसके अलावा मछली का तेल आप लाजमी डाला करें, मतलब आप कह रहे हैं कि ये इसके लिए मस्ट है सर्दी इस हवा में और इस ठंड के अंदर मछली का तेल और अंडा जो है वो लाजमी है। लाजमी है, मैं आप हैरान हो जाएंगे, वहाँ मेरे पास जो सरजानी में बेचने के जो पेयर हैं तकरीबन 70 पेयर हैं, मैं 6 अंडे दे रहा हूँ उनको डेली, रोजाना डेली के 6 अंडे। इसमें कोई कैद नहीं है कि कितने दिन खिलाना है या रोजाना खिला सकते हैं? अगर बेहतर तो ये है कि आप एक दिन गैप करके दें। ठीक, लेकिन अब मेरा ख्वाहिश है, अपने जस्तजू है, मेरी काम ही नहीं है मेरा फिंचो के अलावा कोई और, तो मैं जो है वो डेली दे देता हूँ। मेरा क्या जा रहा है, तो मतलब ये जो लेके जाएगा उनके पास अगर ये ब्रिड करे और अच्छा अल्लाह करके अच्छा करे, अल्लाह करे, तो दुआएं मिलेंगी मुझे। आज भी लोग आते हैं, इज्जत देते हैं, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। वरना यही मेहनत होती है जो कुछ लोगों को, नए लोगों को पता ही नहीं होती ना इसके बारे में कि अभी जो हवा चल रही है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बर्ड्स मर जाते हैं तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। और हमारा और आपका मतलब यही है वीडियोस बनाने का या कवर करने का या इन्फॉर्मेशन देने का, ताकि वो डिसहार्ट ना हो, इस शौक की तरफ लगे रहें। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि बिल्कुल फिश ऑयल हो और अंडा दें तो आपके बर्ड्स बचे रहेंगे। ओके सर, थैंक यू।